नेक्स्ट टॉपिक डेट इज कॉल्ड टॉर्क इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन। तो अभी हमने ना ईएमएफ इक्वेशन देखा है, नाउ लेट अस सी द टॉर्क इक्वेशन। तो ईएमएफ इक्वेशन क्या मिला है हमें, पी फाई एन जेड अपॉन 60 है एंड दीज आर द रिलेशंस, है ना। नाउ सबसे पहले देखते हैं कि टॉर्क होता क्या है। जनरली किससे डिनोट किया जाता है, टाउ से या टी से, आप कोई भी कह सकते हो। जो टॉर्क होता है इसको जनरली लोग टी या टाउ से डिनोट करते हैं, लेट इट बी टी से डिनोट करते हैं। तो किसके बराबर होता है, पी बाई ओमेगा। पी मीन्स पावर बाई ओमेगा, ये एक जनरलाइज फॉर्मूला है, पावर बाई ओमेगा टॉर्क का इक्वेशन होता है, ये आप पहले से जानते आए हो। इसको बाई हाफ, इसके बाई हाफ पे हम आगे का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका अच्छा टॉर्क का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर। तो इतना पावर होता है पी इज टी इक्वल टू पी बाई ओमेगा। अब देखो इसके बाद, अब समझना यहां से, इसके बाद हमें ना बहुत सारे टॉर्क मिलेंगे, डेवलप टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क, रनिंग टॉर्क। तो जो हमारे पास टॉर्क का इक्वेशन होगा, अगर डेवलप टॉर्क होगा तो डेवलप टॉर्क होगा तो डेवलप पावर बाई ओमेगा होगा। अगर आपके पास स्टार्टिंग टॉर्क होगा तो स्टार्टिंग पावर, जो पावर स्टार्टिंग लगता है भाई, ओमेगा होगा। लाइक दैट आपके पास सारे टॉर्क दिखेंगे। एनीवे तो जो हमारे पास टॉर्क मिल के आया, दैट इज कॉल्ड यहाँ पे डेवलप टॉर्क मान के चलो बोलते हैं हम। तो जो डेवलप टॉर्क होगा इसी को यहाँ पे टाउ बोला जाता है या टी बोला जाता है। तो डेवलप टॉर्क इक्वल टू क्या होता हो जाएगा, डेवलप्ड पावर पी डी बाई ओमेगा। अब बात यह है कि एक डीसी मशीन में पावर कितना डेवलप होता है। तो डेवलप का मतलब क्या होता है, आर्मेचर में जो डेवलप होता है कितना, जो जनरेट, अच्छा पावर का मतलब क्या होता है, वोल्टेज इंटू करेंट। तो जो आर्मेचर में पावर डेवलप होता है वो आर्मेचर की वोल्टेज इंटू आर्मेचर का करंट होगा। और आर्मेचर में कितने वोल्टेज जनरेट होते हैं, तो बाइक में सिंस जो डेवलप्ड पावर होता है एक डीसी मशीन में वो इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी कि बैक ईएमएफ मल्टीप्लाई बाई आर्मेचर करंट होता है। डेवलप्ड पावर इज इक्वल टू डेवलप्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब बैक ईएमएफ इनटू आर्मेचर करंट के बराबर होता है। जस्ट आप यहां पुट कर दो, ये पावर के बदले आप यहां पुट कर दो, दिस इंप्लाइज टॉर्क टाउ इक्वल टू, या डेवलप्ड टॉर्क हो या नॉर्मल टॉर्क हो आपकी मर्जी, टी इक्वल टू बैक ईएमएफ इनटू आईए डिवाइड बाय ओमेगा। तो ये एक इक्वेशन है, दिस इज वन इक्वेशन, ये टॉर्क इक्वेशन है। डेफिनेटली यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। नाउ जो दूसरा आपके पास इक्वेशन है, दैट इज दूसरा इक्वेशन है, दैट इज इसका आगे का एक्सटेंशन। अब देखो यहां पे, अभी आप बैक ईएमएफ पढ़ के आए हो कि बैक ईएमएफ किसके किसके बराबर होता है, अभी जस्ट आप बैक ईएमएफ पढ़ के आए हो। तो सिंस जो बैक ईएमएफ होता है वो किसके बराबर होता है, पी फाई एन जेड अपॉन 60 है, या पढ़ के आए हो, एंड ओमेगा, ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंड ओमेगा किसके बराबर होता है, 2 पाई एन अपॉन 60 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, ये दो फॉर्मूला आपको पहले से पता होना चाहिए। तो बैक ईएमएफ हमें पता है कितना होता है, पी फाई एन जेड अपॉन 60, एंड ओमेगा किसके बराबर होता है, 2 पाई एन अपॉन 60। अब इन दोनों को आप यहां पुट करिए, इन दोनों को बैक ईएमएफ को और ओमेगा को यहां पुट करिए, इसलिए जो आपका टॉर्क बन के आएगा वो कितना आएगा, तो बैक ईएमएफ इक्वल टू पी फाई एन जेड अपॉन 60 मल्टीप्लाई बाई आर्मेचर करंट। ये हो गया ऊपर का, मतलब बैक ईएमएफ इनटू आईए डिवाइड बाय ओमेगा। तो ओमेगा के बदले आपको क्या लिखना होगा, नीचे है ओमेगा तो ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा, नीचे है ओमेगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा 2 पाई एन। तो 2 पाई एन मल्टीप्लाई में है एंड ऊपर चला जाएगा 60, ये रिवर्स हो जाएगा ना, ओमेगा जब यहां पुट करोगे तो 60 ऊपर चला जाएगा, 2 पाई एन मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये अभी एक फॉर्मूला मिल के आ रहा है, यहां से हमने क्या किया, बैक ईएमएफ को पुट कर दिया एंड ओमेगा की वैल्यू यहां पुट कर दी, दैट्स इट। देखिए तो यहां से ये 60 एंड 60 कैंसिल हो गया, n से स्पीड भी कैंसिल हो गया इस तरह से। तो थोड़ा सा अगर आप इसको रीअरेंज करते हैं तो t इक्वल टू, थोड़ा सा रीअरेंज करके हम लिख रहे हैं, ये कैसे लिखोगे आप ध्यान देना यहां से। तो 1 अपॉन 2 पाई ये कांस्टेंट होता है एक्चुअली, तो 1 अपॉन 2 पाई आप ले लीजिए बाहर, 1 अपॉन 2 पाई आप ले लीजिए बाहर, मल्टीप्लाई बाई
पी फाई जेड है ना, यहाँ पे पी फाई जेड इसमें क्या क्या लेना है एक साथ में, ध्यान देना, पी फाई जेड को एक साथ ले लेते हैं, पी फाई जेड को एक साथ ले लेते हैं एंड मल्टीप्लाई भाई, ये लिखने का तरीका है बेटा, कुछ नहीं है, याद रखेगा। आई ए बाई ए मल्टीप्लाई बाई आई ए बाई ए, आई ए बाई कैपिटल है ना, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टॉर्क। तो पी फाई जेड वन बाई वन अपॉन टू पाई इंटू पी फाई जेड इंटू आई ए बाई ए, इट इज द वन इक्वेशन ऑफ आपका टॉर्क। तो ये सेकेंड इक्वेशन आपका टॉर्क का मिला, ठीक है, इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ टॉर्क। नाउ अच्छा यूनिट क्या होगा, व्हाट विल बी द यूनिट, इट इज द न्यूटन मीटर, डेफिनेटली न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, ठीक है। अब सुनो यहां से, अब हमने जैसा वहां पे ईएमएफ के साथ किया था उसका कुछ रिलेशन हमने निकाला था, वैसे ही यहाँ टॉर्क का भी इक्वेशन निकाला जाएगा। तो ये तो पूरा इक्वेशन हो गया टॉर्क का, 1 by 2 pi p phi z into 60 a, pi by a, p क्या है number of pole, phi is the flux per pole, z is the total number of conductors, ia is the armature current, total armature current, और ये कितना हो गया armature current per parallel path, इसको क्या बोलोगे armature current per parallel path। Now अब देखो यहाँ पे अगर आपके पास मशीन डिजाइंड हो गया, अगर मशीन डिजाइन हो गया तो क्या क्या कॉन्स्टेंट होंगे ये आपको देखना है, देन विल सी कि आपके पास वैल्यूज क्या होंगे। एक काम करते हैं नेक्स्ट पेज पे आते हैं, एंड सिंस आपके पास टॉर्क क्या मिला, सिंस जो टॉर्क है वो कितना मिला है 1/2 pi, थोड़ा अलग अलग लिखेंगे हम, पी फाई जेड इंटू आई ए बाई, ये हमारा मिला है टोटल टॉर्क का इक्वेशन। अब इस पूरे टॉर्क के इक्वेशन में क्या क्या कांस्टेंट है, ऑलरेडी आपको पता है कि ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है, दिस इज अ कांस्टेंट, क्योंकि इट ऑलरेडी 1/2 पाई कांस्टेंट है। आफ्टर डिजाइनिंग द मशीन नंबर ऑफ पोल कैन नॉट बी चेंज, आफ्टर डिजाइनिंग द मशीन जेड यानी कि नंबर ऑफ कंडक्टर कुड नॉट बी चेंज एंड नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कैन नॉट बी चेंज, ये जितने हमने एरो राउंड मारे ग्रीन वो चेंज नहीं होंगे, दैट इज कांस्टेंट, ये सारे कांस्टेंट्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि टॉर्क किसके बराबर हो गया, इसका मतलब ये है कि टॉर्क किसके बराबर हो गया था, बराबर नहीं, टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल हो गया, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू यहां बच क्या गया फाई इंटू आई ए, फाई इंटू आई ए, फाई इंटू आई ए। तो ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इक्वेशन, याद रखना ये रिलेशन यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये टॉर्क इज इक्वल टू फाई इंटू आई, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिलेशन। अब नेक्स्ट समझिए, अब हमारे पास डिफरेंट टाइप के मशीन होते हैं, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स। अब क्या क्या ये डिफरेंट टाइप होते हैं, दैट इज जो डिफरेंट टाइप्स है मशीन के, वो होता है या तो मशीन सीरीज होगा या संट होगा या कंपाउंड होगा, लाइक दैट। तो अगर ये सीरीज मशीन है, इफ मोटर इज सीरीज, या फिर लिखते हैं फॉर सीरीज मोटर, फॉर सीरीज मोटर पहला लेते हैं, पहला फॉर सीरीज मोटर, आप ये बात जानते होंगे, हालांकि हमें सेपरेटली एंड संट बेसिकली पढ़ना है, बट स्टार्ट विद सीरीज। फॉर सीरीज मोटर जो आपके पास है, जो आपके पास फ्लक्स होता है वो आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल होता है, आई एम रिपीटिंग, क्योंकि सीरीज मोटर में जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग लगता है वो आर्मेचर के सीरीज में लगाया जाता है, तो जो भी करंट आर्मेचर से फ्लो होते हैं वही करंट आपके सीरीज वाइंडिंग से होते हैं। आपको याद होगा अगर आप सीरीज मशीन बनाओ तो ये उसका आर्मेचर हुआ, ये आर्मेचर का रेजिस्टेंस हुआ, ये मशीन है, अगर ये मोटर है, डीसी मोटर है, यहाँ पे ब्रशेस लगे होते हैं लाइक दैट, एंड ये यहाँ पे सीरीज वाइंडिंग लगाई जाती है, तो जो आर्मेचर में करंट फ्लो होता है वही सीरीज वाइंडिंग में भी करंट फ्लो होता है। इसलिए अगर आप ये बोलें कि एक सीरीज मशीन में जो आर्मेचर की करंट होती है वही किसकी करंट होती है,
आपके पास फील्ड वाइंडिंग करंट होती है, सिंस सिंस जो फ्लक्स है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, फील्ड वाइंडिंग के करंट के, और एंड जो फील्ड वाइंडिंग करंट है किसमें, सीरीज मोटर में, वो आर्मेचर करंट के बराबर है। तो क्या बेटा, इन दोनों को आप देख के ये नहीं लिख सकते हो कि जो टॉर्क होगा, यानी कि आप कैसे लिख सकते हो, जो टॉर्क होगा सिंस ये फाई आईए के प्रोपोर्शनल है, यहां से क्या लिखोगे, तुम्हारा कंक्लूड क्या होगा कि फाई जो है वो आईए के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि फाई जो है फील्ड करंट के प्रोपोर्शनल तो होगा ही, और फील्ड करंट आईए के प्रोपोर्शनल, आईए के बराबर है। इक्वेशन तुम लिखोगे यहां पे, यानी कि टॉर्क इन दिस केस, जो टॉर्क होगा इज प्रोपोर्शनल टू आईए स्क्वायर, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है। तो इन द केस ऑफ दिस सीरीज मशीन, जो आपका टॉर्क होता है वो आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल होता है, एंड एंड इन केस ऑफ शंट मशीन और सेपरेटली एग्जाइटेड मशीन, दोनों के बारे में देख लेते हैं, शंट एंड सेपरेटली, एंड फॉर शंट एंड सेपरेटली एग्जाइटेड, शंट के लिए एंड सेपरेटली एग्जाइटेड मशीन के लिए, इन दोनों के लिए ही आपका फ्लक्स कांस्टेंट होता है, और शंट एंड सेपरेटली मशीन हाई जो है फ्लक्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ये चेंज नहीं होता। अगर फ्लक्स कांस्टेंट है, यहां पर देख लो फ्लक्स कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, दिस विल गिव यू टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू आई। तो ये दोनों के ना अलग अलग प्रॉपर्टी होंगे, किसी में टॉर्क जो है आर्मेचर करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, किसी किसी में जो टॉर्क जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, आर्मेचर करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। तो पहली तो बात यह है कि टॉर्क इक्वेशन क्या है, तो ये टॉर्क इक्वेशन है, यहाँ पे टॉर्क इक्वेशन है, दैट इज नॉट डेफिनेटली इट इज इंपॉर्टेंट, बट इससे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, ये टॉर्क का इक्वेशन का रिलेशन क्या है, तो टॉर्क जो है आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल होता है, सिंस हमें सीरीज मशीन इसमें कवर अप नहीं है हमारे सिलेबस में, तो इसलिए हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे शंट एंड सेपरेटली में। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगा कि टॉर्क जो है आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल होता है।